वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर डाटा हैंडलिंग ऑफ सेवंथ क्लास मैथमेटिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटास एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटास। अर्लियर क्लासेस में आप डाटास के बारे में पढ़ चुके होंगे कि व्हाट इज डाटा। जैसे आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स कलेक्ट करें, या सभी स्टूडेंट्स की अगर हम वेट लिखते हैं, या सभी की हाइट कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटास। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जब उन्हें हम टैली मार्क्स की हेल्प से एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो ये आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड सम भी हम करेंगे, लेकिन हम आगे चलते हैं। दैट इज अर्थमेटिक मीन। अब हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मीन थ्री टाइप्स की होती है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। We will study only arithmetic mean according to your syllabus. So we can say it only mean. आप इसे only mean भी कह सकते हैं, क्योंकि geometric mean और harmonic mean आप higher classes में पढ़ेंगे। अब हम only arithmetic mean पढ़ेंगे, तो हमारे लिए mean का जो meaning है वो arithmetic mean होगा। Arithmetic mean क्या है, यानी कि mean क्या है? Sum of data. जो भी data हम collect करेंगे सबकी sum लेंगे, जैसे सब बच्चों की height ली है, then we will add them, सबकी हाइट को ऐड करेंगे, और नंबर ऑफ डेटा से, नंबर्स ऑफ डेटा, तो जितने बच्चे हैं उससे अगर डिवाइड कर देंगे, then we will get mean। अब डेटा का सम लिया और डेटा को सम ऑफ डेटा को नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करेंगे। एक होता है रेंज। रेंज के अंदर क्या करते हैं हम, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू जो भी होगी, में से लोएस्ट, सबसे कम जो डाटा होगा, स्मॉलेस्ट डाटा कहेंगे उसे हम, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। फाइंड द रेंज। आपने रेंज फाइंड आउट करनी है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाईएस्ट में से लोएस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रेंज ऑफ हाइट्स, हाइट्स की रेंज फाइंड आउट करनी है। ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपने अपनी ही क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट कलेक्ट करनी है, यानी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में से 10 स्टूडेंट्स की हाइट नोट कीजिए, और फिर उसमें से मैक्सिमम हाइट में से जो लोएस्ट हाइट है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन यू कैन फाइंड द रेंज ऑफ दैट। सो नथिंग टू डू हियर, क्योंकि कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है, ये डाटा आपने ही कलेक्ट करने हैं। हियर इज अ सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। एक क्लास की असेसमेंट, यानी कि किसी भी मार्क्स जो असेसमेंट लगाए जाते हैं आपके, किसी टेस्ट के मार्क्स हो सकते हैं कुछ भी, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स, तो ये मार्क्स दिए गए हैं आपके, इनको टेबुलर फॉर्म में आपने ऑर्गेनाइज करना है। मार्क्स आउट ऑफ 10 हो सकते हैं, देयर आर 4, 6, 7, 9, 5, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6 and 7। सो दीज आर योर मार्क्स। सो पूछता है कि विच, इन्हें टेबुलर फॉर्म में भी करना है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं उसने, तो इनके आंसर्स हम करते हैं, आफ्टर दैट वी विल रिप्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्म। विच नंबर इज द हाईएस्ट, इनमें से कौन सा नंबर हाईएस्ट है, यानी कि कितने नंबर जो हैं असेसमेंट में हाईएस्ट लगे हैं। सो लेट्स चेक इट, 9 इज द हाईएस्ट, सो 9 इज द हाईएस्ट, सो इट्स आंसर विल बी 9। सो विच नंबर इज द लोएस्ट, लोएस्ट नंबर हम देखते हैं कि 1 है, सो इसका आंसर हुआ 1, इसमें सिर्फ वन वर्ड आंसर ही है। सो व्हाट इज द रेंज, अब रेंज हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ेंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट मींस 9 - 1 = 8, दैट इज अवर रेंज। नाउ फाइंड द अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन क्या है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ए एम भी लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सो
सो दिस इज द सम ऑफ डाटा, हमने सभी असेसमेंट को यहाँ ऐड कर लिया है, तो भी नहीं सॉरी हमने लिख लिया है एडिशन की फॉर्म में, अब इसे ऐड करेंगे। और नंबर ऑफ डाटा क्या है, लेट्स काउंट देम कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उसने स्टेटमेंट में हमें क्लियर नहीं किया, सो लेट्स काउंट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सो विल डिवाइड इट बाय 20, सो लेट्स ऐड देम, इट्स सम विल बी 100, तो इनका सम 100 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे सो दैट इज 5, सो हमारी अर्थमेटिक मीन आ जाएगी 5, सो 5 मार्क्स जो है वो आपकी एवरेज आ गई है, अर्थमेटिक मीन आ गई है। नाउ वी विल ऑर्गेनाइज देम इन द टेबुलर फॉर्म, अभी नहीं टेबुलर फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इस प्रकार आप एक टेबल ड्रा कर लेंगे और इस टेबल के अंदर यहाँ बच्चों द्वारा जो मार्क्स गेन किए गए हैं यानी कि जो असेसमेंट लगाई गई है वो मार्क्स लिखेंगे, उनकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ टैली मार्क्स लगाएंगे, आप अर्लियर क्लासेस में टैली मार्क्स पढ़ चुके हैं, और फिर उनकी काउंटिंग यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखेंगे। सो लेट्स सी कि ये नंबर्स पड़े हैं हमारे पास 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 1, तो आप देखते हैं कि 1 से लेकर 9 तक सभी मार्क्स अवेलेबल हैं। सो राइट हियर मार्क्स, किसी बच्चे के 1 आए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब 1 कितने बच्चों का आया, सो लेट्स काउंट देम। सो 1 आप देखते हैं कि सिर्फ एक ही बच्चे का आया, सो टैली मार्क्स के अंदर हम क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे, और फ्रीक्वेंसी भी क्या आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। और आप इसी प्रकार 2 को काउंट करेंगे तो वो 2 टाइम आया है, तो टैली मार्क्स कितने होंगे, 2 लगाए जाएंगे, ये टैली मार्क्स हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या लिखी जाएगी, 2 लिखी जाएगी। तो 3 जो है वो सिंगल टाइम आया यानी कि 1 टाइम आया, तो उसका टैली मार्क्स 1 और फ्रीक्वेंसी 1। इसी प्रकार जो 4 है वो 3 टाइम आया है, सो 3 टैली मार्क्स विल बी देयर। और 5 के लिए हम 5 टाइम आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 तक ऐसे हम मार्क्स लगाएंगे, और 5 के लिए इनको क्रॉस कर देंगे, दैट विल बी अवर 5th साइन, तो 5, 5 के ग्रुप हो जाते हैं ये, जिन्हें काउंट करना भी इजी होता है। सो जो 6 है दैट इज 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, और जो 7 है दैट इज 2 टाइम, 8 1 टाइम है और 9 भी 1 टाइम है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम, दैट्स 3, 5, 4, 2, 1 एंड 1, तो इनका टोटल भी देखेंगे हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, सो टोटल कितना हुआ, 3, 4, 4, 3, 7, 7 एंड 5, 12, 12 एंड 4, 16, 16 और 2, 18, 19, 20, सो 20 स्टूडेंट्स थे। तो ये हमारी इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटास हो गया, इसी प्रकार हमने इसकी टेबल भी बनानी थी। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन, सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मीन, या उसने अर्थमेटिक मीन नहीं ओनली मीन वर्ड यूज किया है, जो कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपके सिलेबस में अर्थमेटिक मीन ही है, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो हमारे लिए मीन का मीनिंग अर्थमेटिक मीन ही रहेगा। ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 चाहिए, होल नंबर चाहिए, सो हमें होल नंबर मालूम होने चाहिए क्या है, सो लेट्स सी इट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, अर्लियर क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं, सो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट चलते रहेंगे। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स में यही नेचुरल नंबर, लेकिन इनमें एक जीरो इंक्लूड कर दिया जाता है, ये काउंटिंग नंबर नहीं होते, ये काउंटिंग के काम नहीं आते, क्योंकि हम काउंटिंग कभी जीरो से स्टार्ट नहीं करते। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है, ये 1 से स्टार्ट होंगे, ये 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये अप टू इनफाइनाइट, तो ये होल नंबर हुए। तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट 5 होल नंबर चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 0 भी जो है वो फर्स्ट होल नंबर है, उसने फर्स्ट 5 कहे हैं, तो वो 4 तक ही हमारे 5 हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सो फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, सो मीन कहते हैं सम ऑफ डेटास अपॉन नंबर ऑफ डेटास, सो सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा,
तो हम इनका सम लेंगे यानी कि इनको ऐड करेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 एंड नंबर ऑफ डेटा इज 5. सो लेट्स ऐड देम, 0 and 1, 1, 1 or 2, 3, 3, 3, 6, 6 and 4, 10, 10 by 5. सो दैट इज 2. तो इट मीन्स हमारा जो मीन है वो क्या आ गया, 2. सो दैट इज अवर आंसर. सो मीन इज अवर 2. सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन. अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग. 8 इनिंग मीन्स 8 पारियां. 8 पारियां वो खेलता है, 8 टाइम 8 मैचेस वो खेलता है. तो उसका स्कोर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इनिंग है उसके अंदर क्या रहता है, 58, 76, 49, 35, 46, 45, 0 and 100. तो 8 मैचेस के उसके स्कोर पड़े हैं. सो हमने यहां पे मीन फाइंड आउट करनी है कि द क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग, फाइंड मीन. तो आपने इसकी मीन जो है वो फाइंड आउट करनी है. एंड वी नो दैट कि मीन इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा. तो यहां हमने इनको ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे स्कोर लिखिए. इट विल बी इजी. 58, 76, 49, 35, 46, 45, 0 and 100. अगर इस प्रकार आप इसको लिख के ऐड करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू. तो इनको ऐड करते हैं तो वी गेट 400. सो दैट इज 400 इज द सम ऑफ डेटास एंड नंबर ऑफ डेटास. वी नो दैट 8 इनिंग्स आर देयर. सो 8 इनिंग्स हैं तो 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे. सो 8 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट 50. सो 50 स्कोर जो है उसका मीन आ जाता है. सो मीन इज 50. सो लॉन्ग विद दिस अवर नियर अबाउट हाफ एक्सरसाइज इज ओवर. फोर्थ सम तक हमने कर लिया है. सो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.